दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके में अंधाधुंध फायरिंग, जहां आज सरयाम कासिम नाम के युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया। सोनी नाम के शख्स को भी गोली लगी। हेलमेट पहने अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सरयाम हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके में अंधाधुंध फायरिंग, एक कासिम नाम के युवक को दिन दहाड़े सरयाम गोलियों से छन्नी कर मौत के घाट उतारा। गली नंबर 29 जाफराबाद इलाके में दिया गया वारदात को अंजाम। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर कर रहे मामले की जांच। राजधानी दिल्ली में बदमाश के हौसले बुलंद। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके का है, जहां आज सरयाम कासिम नाम के युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त इलाके में लोग गली में मौजूद थे। अपनी जान बचाने के लिए कासिम मैक्स जैकेट वाला की दुकान के अंदर घुसा। बावजूद उसके बेखौफ बदमाशों ने दुकान के अंदर बैठे लोगों को धमकाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी और कासिम को अंधाधुंध गोलियां मार दी। नहीं, मैं भी घर पर ही था, मुझे अचानक पता चला कि यहाँ गोली चली है 29 नंबर गली में। तो ये रिश्तेदार भी हैं जिनकी दुकान है, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा तो पता चला वो एक लड़का था, कासिम और बब्बू नाम का एक लड़का था, और उसको कुछ लोग पीछे से अचानक उसके भागते, ये लोग सफाई करा रहे थे दुकान की, तो कुछ लोग पीछे से भागते हुए आए और आ करके उस पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलानी शुरू कर दी और इन लोगों को भी धमकाया कि एक साइड हो जाओ वरना आप भी उसमें आओगे लपेटे में। हेलमेट पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। इस इलाके में अमूमन ये सब होता आया है और मैं तो समझता हूँ कि पुलिस की कहीं ना कहीं तो ये नाकामी है कि इस तरह हो जाना, किसी को भी सरेआम गोली मार देना या मतलब इस तरह की घटना को, वारदात को अंजाम देना, दिन दहाड़े अंजाम देना, तो ये एक बड़े अचंभे की बात है कि मतलब यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थाना है जाफराबाद और उसके बावजूद यहाँ आकर के बेखौफ होकर के बदमाश गोलियाँ चला करके और चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि इस वारदात के एक और सोनी नाम के शख्स को भी गोली लगी, उसको पुलिस ने उपचार के लिए जग प्रवेश चंद अस्पताल भेजा। हेलमेट पहने अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर कर रहे हैं मामले की जांच। सरयाम हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसरार अहमद के साथ जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 18।